यदि आप भारतीय संस्कृति के जानकार हैं और यहाँ के संगीत से थोड़ा बहुत भी रिश्ता रखते हैं तो आपने तानसेन का नाम जरूर सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंजारा मैन में और आज हम देखेंगे संगीत सम्राट तानसेन का मकबरा। कहने को आप तानसेन कहिए, मियां तानसेन या राम तनु पांडे कहिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इतिहास में एक ऐसे महान संगीतकार गायक थे जिन्हें अपनी सभा में शामिल करने के लिए दो राजाओं के बीच युद्ध तक छिड़ गया था। यूं तो ग्वालियर विरासतों का शहर है और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिनमें प्रसिद्ध ग्वालियर का किला और सिंधिया परिवार का जय विलास पैलेस भी शामिल है। पर इन सभी के बीचों बीच शहर की चहल पहल से दूर है शिल्पकारी का सुंदर उदाहरण तानसेन का मकबरा। 16वीं सदी की शुरुआत में जन्मे तानसेन ने मात्र 6 साल की उम्र में ही गायकी की शुरुआत कर दी थी। स्वामी हरिदास जी को अपना पहला गुरु मानते हुए तानसेन जी ने ध्रुपद गायकी शैली का भारतीय सभ्यता में उद्गम किया। तानसेन जी के शुरुआती जीवन के समय ग्वालियर में कला प्रेमी राजा मान सिंह तोमर का शासन हुआ करता था। उनके ही प्रोत्साहन से ग्वालियर संगीत कला का विख्यात केंद्र था, जहां बैजू बावरा, कर्ण और महमूद जैसे महान संगीताचार्य और गायक मौजूद थे। इन्हीं सब के सहयोग से राजा मान सिंह तोमर ने संगीत की ध्रुपद शैली का प्रचार प्रसार भारत के अन्य क्षेत्रों में किया। राजा मान सिंह की मृत्यु के बाद राजा विक्रमजीत से ग्वालियर का अधिकार छिन जाने के कारण संगीतज्ञों की मंडली ग्वालियर से बिखरने लगी और इस घटना के कारण तानसेन वृंदावन चले गए और वहां उन्होंने स्वामी हरिदास जी से संगीत की उच्च शिक्षा ली। उनकी संगीत शिक्षा पूरी होने के बाद वो शेर शाह सूरी के पुत्र दौलत खान के पास जाकर रहने लगे। कहा जाता है कि इसके बाद तानसेन रीवा रियासत में बांधवगढ़ के राजा रामचंद्र जी के दरबारी नियुक्त हुए। रामचंद्र जी के रीवा दरबार में तानसेन जी को राजगायक के रूप में हर तरह की आर्थिक सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक और राजनैतिक सम्मान भी दिया गया और तानसेन लगभग 50 वर्ष की आयु तक रीवा में ही रहे। कहते हैं कि इस समय में तानसेन ने अपनी संगीत साधना को मोहक और आकर्षक बना दिया था, जिनसे उनकी गायकी की प्रशंसा भारत के हर कोने में होने लगी थी। तानसेन के गायकी की प्रशंसा सुनकर अकबर ने उन्हें राज दरबार में आने का न्योता दिया, परंतु राजा रामचंद्र जी ने तानसेन को भेजने से मना कर दिया। कहते हैं कि इसी बात को लेकर राजा अकबर रीवा रियासत में युद्ध छिड़ गया था, परंतु बीच समझौते के बीच कहते हैं कि किन्हीं कारणों से अकबर ने तानसेन के लिए राजा रामचंद्र जी को एक आग्रह पत्र भेजा। आग्रह पत्र के अनुरोध के बाद राजा रामचंद्र जी ने तानसेन को दिल्ली दरबार भेज दिया और दिल्ली दरबार पहुंचने के बाद तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल हो गए। मियां की मल्हार, दरबारी का नहाड़, गुजरी टोड़ी या मियां की टोड़ी, ये सब तानसेन की ही देन है। ग्वालियर का इतिहास बदलता गया, मौसम बदलते गए, समय आगे बढ़ता गया, परंतु यहाँ के किस्सों कहानियों की कड़ियों में, संगीत की बदलती धुनों में तानसेन की कहानियां और तानसेन की धुनें आज भी जिंदा हैं। 16वीं शताब्दी के समय में बनी इस इमारत में आज भी लोग तानसेन की यादों की गूंजों को सुनने के लिए आया करते हैं, जहां राग रानियों, कलाकारी और नक्काशीदार इमारतों के बीचों बीच मोहम्मद गौस और तानसेन के मकबरे में भारतीय संगीत कला के ऐतिहासिक पुरुष तानसेन की यादें छुपी हुई हैं। संगीत सम्राट तानसेन की यादों को सजोए हुए ये मकबरा आज भी उनकी गायकी और कलाकारी का एक जीता जागता साक्ष्य है। तानसेन का मकबरे का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो द बंजारा मैन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, ताकि भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए द बंजारा मैन की ओर से धन्यवाद।